हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हॉस्टेज टेकिंग एज टेरर टैक्टिक्स, तो ये टेरर टैक्टिक्स की तरह पे उस लिए हॉस्टेज को लेकर जाया जा रहा है। हॉस्टेज टेकिंग इज़ अ फेयरली कॉमन इन अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। द डिफरेंस इन द केस ऑफ इजरायली हॉस्टेजेस इन गाजा लाइज इन द स्केल। द अप्रोच ऑफ कंट्रीज टू हॉस्टेज टेकर्स हैज़ वेरीड। इजराइल हैज़ नो इजी ऑप्शंस। तो देखते हैं क्या है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए गाजा इसराइल क्या बात हो रही है। तो देखिए, ये अपना इंडिया है। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, इसराइल। तो यहाँ से हम जाएंगे तो ये इसराइल हमारा आ जाता है, अपने वेस्ट में है। इसको हम लोग वेस्ट एशिया बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, ये वेस्ट एशिया ही है। अब आप देखिए, ये हमारे लिए जैसे इसराइल है, ये इसका आप देख रहे हैं, इसका बॉर्डर हो गया इसराइल का, ठीक है, ये इसराइल का बॉर्डर हो गया। अब देखिए, ये गाज़ा स्ट्रिप है आपका, यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है, ये आपका वेस्ट बैंक का बॉर्डर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके फिलिस्तीन, फिलिस्तीन जो हम लोग कहते हैं वो रहते हैं, ये वेस्ट बैंक हो गया आपका, ये वेस्ट बैंक, ये आपका गाज़ा स्ट्रिप। यहाँ पे आप देखिए, तेल अवीव है आपका, ठीक है, जहाँ पे इंडियन एम्बेसी है। और यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप में जेरूसलेम यहाँ का कैपिटल, बिगेस्ट सिटी है। ये आपके इसराइल की हम लोग बात कर रहे हैं। आप ये लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे डेड सी है, ठीक है। और देखिए, ये हमारे पास जॉर्डन रहा। जॉर्डन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक गन की तरह कंट्री है, इसको गन बना दो, यहाँ से बुलेट निकलेगी, ये आपकी जॉर्डन है। ऊपर में यहाँ पे आप देखिए सीरिया, यहाँ पे लेबनन, नॉर्थ में ये सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, ये किसका है, इजिप्ट का। 50 ईयर्स पहले जो योम किपुर वॉर हुआ था उसके पीस ट्रीटी में ये इजिप्ट को इसराइल दिया था। यूएस जिसको ब्रोकर करवाया था, जिस डील को करवाया था, नहीं तो पहले ये सिनाई पेनिनसुला इसराइल के पास था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखिए, ये सऊदी अरेबिया है, और नीचे में यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है। ये रहा आपका मेडिटेरेनियन सी। तो ये रहा इसराइल का लोकेशन। तो यहाँ पे गाज़ा में लड़ाई चल रही है इसराइल के साथ, ये लोग अब रिटेलिएट कर रहे हैं जब इन्होंने यहाँ पे बम्बार्डिंग किया था। अब इसी की बात, अब लोकेशन देख लिया हमने, तो चलिए देखते हैं आगे क्या यहाँ पर बात हो रही है। दी हमास फाइटर, तो जो ये आपका गाज़ा स्ट्रिप है, गाज़ा स्ट्रिप, इसी की जो गवर्निंग बॉडी है वो आपकी हमास है। दी हमास फाइटर हु रेडेड सदर्न इसराइल ऑन अक्टूबर 7 टुक बैक इन टू गाजा एन एस्टिमेटेड ऑफ 150 इसराइलीज, मोस्टली सिविलियन, इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली, विद एन इसराइली ग्राउंड असॉल्ट इमिनेंट, द फेट ऑफ दोज हॉस्टेजेस हेल्ड द मल्टीपल लोकेशन इन गाजा रिमेन अननोन। तो साफ बात बताया जा रहा है कि ये लोग यहाँ से 150 इसराइलीज को, 150 इसराइलीज को हॉस्टेज बना के गाजा ले गए, और यहाँ पे किस लोकेशन पे रखा है इन्होंने किसी को नहीं पता। अब आगे देखते हैं, हाउ कॉमन आर हॉस्टेज सिचुएशन इन कॉन्फ्लिक्ट, ये कितनी कॉमन चीज़ है। हॉस्टेज देखिए, हॉस्टेज को ले जाना ले आना कितना कॉमन है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में। हॉस्टेज टेकिंग इज फेयरली कॉमन इन अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। द इंटरनेशनल टेररिज्म एट्रीब्यूट्स ऑफ टेररिस्ट इवेंट्स, ITERATE प्रोजेक्ट रिकॉर्ड क्लोज टू 4,000 ट्रांसनेशनल हॉस्टेजेस एंड किडनैपिंग इंसिडेंट्स बाय टेररिस्ट ग्रुप्स बिटवीन 1968 एंड 2018 अराउंड द वर्ल्ड। तो इस बीच में 4,000 यहाँ पे हॉस्टेजेस लेकर गए हैं टेररिस्ट ग्रुप आपके। मॉडर्न डे टेररिस्ट यूज किडनैपिंग और हॉस्टेज किलिंग एज अ बार्गेनिंग चिप फॉर पॉलिटिकल एंड पॉलिसी कंसेशन और रैनसम। तो ये लोग इसलिए करते हैं कि भाई जो स्टेट है वो थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाए, बैकफुट पर अपने। द पर्पस कैन ऑल्सो बी टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल अटेंशन, तो ये इंटरनेशनल अटेंशन के लिए भी ऐसा काम करते हैं। और एज इन द केस ऑफ द मैक्रेबे मर्डर बाय इस्लामिक स्टेट इंस्पायर फर्दर टेररिज्म, तो ये फर्दर इंस्पिरेशन के लिए भी काम करते हैं। देर इज अ हिस्ट्री ऑफ हॉस्टेज टेकिंग इन द इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। इन फैक्ट मॉडर्न डे टेरर रिलेटेड हॉस्टेज टेकिंग वर्चुअली बिगैन विद द म्यूनिच मैसेकर आफ्टर पैलेस्टीनियन ब्लैक सेप्टेम्बर टेररिस्ट सीज्ड 11 इसराइली एथलीट्स इन 1972 ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पे आप देखिए, इसराइली ने में ओलंपिक गेम्स में 11 इजरायली एथलीट्स को पैलेस्टीनियन ने आपका हॉस्टेज बनाया था। इन 1985 लेबनीज टेररिस्ट
hijacked TWA flight 847 and in 2011 Israeli soldier Private Shalit was kidnapped by Hamas and released after 5 years. तो देखिए यहाँ पे इसराइलीज के ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कई बार हॉस्टेजेस लेकर गए हैं वो लोग. हाउ इज़ द क्राइसिस इन गाज़ा डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर हॉस्टेज सिचुएशन. तो ये पहले से डिफरेंट कैसे हैं. द डिफरेंस इज इन द स्केल. फॉर्मर RNAW चीफ AS दौलत सर हमास हैव नेवर बीन एबल टू टेक सो मनी हॉस्टेजेस टुगेदर इवन दो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स हैव अर्लियर किडनेप्ड इसराइली एंड कैप्ट देम इन द टेरेटरी फॉर ईयर्स ही सेड. इतने ज़्यादा अभी 150 लोगों को लेकर गया गया है. फॉर्मर रॉ स्पेशल सेक्रेटरी वपला बालचंद्रम हुली हेडेड द 2011 कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेड दैट द शेयर नंबर ऑफ हॉस्टेजेस एंड अनसर्टेनिटी अराउंड देयर लोकेशन मेक्स द टास्क ऑफ रेस्क्यू वेरी डिफिकल्ट. अब उनके लोकेशन किसी को नहीं पता है. हमास इज यूजिंग दैम एज अ बार्गेनिंग टूल टू फोर्स द इसराइली टू सॉफ्टन देयर रेप्रिसल. तो ये जो इसराइल अटैक कर रहा है वापस से रेसिप्रोकेट कर रहा है उसको सॉफ्टन करने के लिए वो लोग एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं. इसराइल विल बी वरीड अबाउट हार्मिंग इट्स ओन सिटीजन ड्यूरिंग द असॉल्ट ऑन गाजा ही सेड. अपने सिटीजन को इसराइल तो नहीं ना मारना चाहेगा ऑब्वियसली. अजय सैनी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हाउएवर बिलीव्स हमास में हैव ओवरप्लेड देयर हैंड. दे हैव मोबिलाइज्ड एंटायर इसराइल टू वॉर. ऑल ऑफ गाजा इज हॉस्टेज टू इसराइल. तो गाजा जो है वो पूरा इसराइल का हॉस्टेज है. दे मे हैव होप फॉर ओवर रिएक्शन फ्रॉम इसराइल एंड फॉर द अरब वर्ल्ड टू राइज इन देयर सपोर्ट बट ओनली द फॉर्मर हैज हैपेंड. तो इन्होंने दो चीज़ सोचा था. एक तो इसराइल आपका यहाँ पे ओवर रिएक्शन देगा जो रिटेलिएट मतलब बहुत स्ट्रांगली करेगा. दूसरा अरब वर्ल्ड जो है आपका सपोर्ट में आएगा. तो सही सोचा था ये वन अगर ये टू. तो पहला वाला तो हो गया इसने रिएक्ट कर दिया पर अभी तक अरब वर्ल्ड उसके सपोर्ट में एज सच आया नहीं है. तो यहाँ पे ये था. हाउ ओल्ड इज द प्रैक्टिस ऑफ हॉस्टेज टेकिंग एज अ टैक्टिक ऑफ असिमेट्रिकल वॉरफेयर. देर आर रेफरेंस टू द हॉस्टेज टेकिंग इवन इन द रामायण एंड द बाइबल बट द यूज ऑफ द वर्ड डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच होस्टे हैज बीन ट्रेस्ड टू मिडल एजेस व्हेन द हॉस्टेज वर टेकन टू इंश्योर ट्रीटी ऑब्लिगेशन वर फुलफिल्ड. In the 18th century, African pirates routinely captured merchant ships in the Mediterranean for ransom. The Munich massacre marked the beginning of the modern age of hostage taking by the terrorist group. It internationalized the routinized hostage taking as a preferred terrorism tactic, which was used to threat. ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फ्राम साउथ अमेरिका टू साउथ ईस्ट एशिया. तो साउथ अमेरिका आप देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें देखिए जस्ट अ सेकेंड ये साउथ अमेरिका है आपका और इसके यहाँ पे मतलब ग्लोब के बिल्कुल इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया. तो आप बोलेंगे बीच में तो कोई कंट्री नहीं है यहाँ से यहाँ तक कैसे नहीं भाई इस तरफ जाओ. साउथ अमेरिका से लेके आप देखो पूरी यहाँ पे इंडिया कवर हो रहा है. यहाँ पे पूरा अटलांटिक इंडियन मेडिटेरेनियन सब कवर हो रहा है. तो ये पूरे इतने पूरे एरिया में ये लोग मतलब एक्चुअली पूरे लैंडमार्क की बात कर रहे हैं. यहाँ पे पूरे में स्टार्ट आपका हो गया है. अ पेपर पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन 2020 नोटेड हॉस्टेज टेकिंग अटैक कॉन्स्टिट्यूट ओनली 16.9% ऑफ ट्रांसनेशनल टेररिस्ट अटैक ड्यूरिंग 1978 टू 2018. दिस परसेंट इंक्रीज ओवर टाइम एज टेररिस्ट इंक्रीजिंगली रिसोर्टेड टू किडनेपिंग. Hostage taking attack represents the following percentage of the three select intervals. 13% itna, 18% itna, 22% is beech mein. In 2004, Al-Qaeda even published a kidnapping manual. To inhone Al-Qaeda mein kidnapping manual bhi liya, nikal diya, inhone publish kar diya. Ki bhai padho likho, tab kidnap karo, bewakoof log. Over the year, the motives to have diversified. According to the paper by Alex P. Smith of the International Center of the Counter-Terrorism, ICCT, most of the hostage-taking incidents after the 1996 Peruvian crisis are the case of hostage for ransom demands. One unusual incident, a rebel group of Sierra Leone named the West Side Boys demanded the college education abroad in exchange of the release of their hostage. So, इन्होंने पैसा तो नहीं मांगा पर इन्होंने बोला कि भाई मुझको बाहर पढ़ा लिखा दो. आप देखो लोगों की नीड कितनी है और आपको पढ़ने को मौका मिलता है. हम लोगों को तो हम लोग पढ़ते नहीं है, गेम खेलते हैं, रील देखते हैं.
हाउ मेनी नेशंस रिएक्ट टू हॉस्टेज टेकिंग बाय टेररिस्ट? इट हैज डिपेंडेंट ऑन देयर पॉलिसी ऑन द सिचुएशन. द यूएस एंड यूके हैव अ पॉलिसी ऑफ नॉन नेगोशिएशन विद टेररिस्ट इन क्राइसिस. मतलब ये लोग तो बोलते हैं हम नेगोशिएट नहीं करेंगे टेररिस्ट के साथ. इन क्राइसिस दे हैव रिलाइड आइदर ऑन बैकरूम नेगोशिएशंस फॉर द मिलिट्री ऑपरेशन टू फ्री हॉस्टेजेस. फ्रांस एंड यूरोप हाउएवर हैव बीन रिपोर्टेड टू हैव पेड मिलियंस ऑफ यूरोज इन रैनसम फॉर जर्नलिस्ट किडनैप्ड इन आईएस इन सीरिया. तो आप देखिए ये लोग तो बोलते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, और यूरोप और फ्रांस की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर पे किया है अपने जर्नलिस्ट को बचाने के लिए. ड्यूरिंग 1979 टेरन हॉस्टेजेस क्राइसिस द यूएस डिड नेगोशिएट विद द ईरान. देर हैव ऑल्सो बीन रिपोर्ट ऑफ सीक्रेट आर्म सेल्स टू ईरान बाय द यूएस ड्यूरिंग द बेरिट क्राइसिस इन 1980s टू बाय फ्रीडम फॉर अमेरिकन हॉस्टेजेस. तो यहाँ पे आप देखिए अमेरिका भी डील करने लगा है नेगोशिएशन के साथ. ड्यूरिंग द 1996 क्राइसिस व्हेन द 500 डिप्लोमेट्स वर टेकन हॉस्टेज इन लीमा पेरू नेगोशिएटेड फॉर मोर देन 4 months बट इवेंचुअली फ्रीड ऑल हॉस्टेज इन द मिलिट्री ऑपरेशन इन विच ओनली वन सोल्जर डाइड. अब देखिए लीमा में लेकर गए और पेरू आपका ये रहा. ये दोनों साउथ अमेरिका की बात हो रही है. आपको एक बार लोकेशन दिखा दूँ, ये देखिए ये पेरू है और उसका कैपिटल लीमा है साउथ अमेरिका में. ये आपका साउथ अमेरिका, हम लोग इसके वेस्ट साइड में देखेंगे ये पेरू, उसका कैपिटल लीमा. तो यहाँ पे ये बात हो रही है. ऑन द थर्ड डे ऑफ 2004 बेस्लन स्कूल सीज रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस कैरिड आउट एन ऑपरेशन दैट लेड टू डेथ ऑफ ऑल दी रेबल्स. हाउएवर 333 हॉस्टेजेस वर ऑल्सो किल्ड. इजराइल रिफ्यूज टू फ्री पैलेस्टीनियन प्रिजनर ड्यूरिंग द 1972 म्यूनिक क्राइसिस. इन द सेम ईयर हाउएवर 4 ब्लैक सितंबर टेररिस्ट वर ग्रांटेड सेफ पैसेज टू इजिप्ट इन एक्सचेंज फॉर रिलीज ऑफ 6 हॉस्टेजेस दे हैड टेकन इन द इजरायली एम्बेसी इन थाईलैंड. इन 2011 अंडर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल फ्री मोर देन 1000 पैलेस्टीनियन फ्रॉम प्रिजन इन रिटर्न फॉर प्राइवेट शेलिट. इंडिया रिफ्यूज टू फ्री जेल टेररिस्ट आफ्टर 1995 किडनैपिंग ऑफ फॉरन टेररिस्ट बाय हकरत उल अंसर लीडिंग टू देयर डेथ बट रिलीज टेररिस्ट मसूद अजहर एंड हिज एसोसिएट्स आफ्टर हाईजैक्ड IC-814 वॉज टेकन टू तालिबान रूल अफगानिस्तान इन 1999. हाउ सक्सेसफुल हैव हॉस्टेजेस टेकर बीन इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव. तो क्या उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है? एन एनालिसिस ऑफ क्लोज टू 4000 ट्रांसनेशनल किडनेपिंग एंड हॉस्टेजेस टेकिंग इंसिडेंट्स बाय टेरर ग्रुप्स बाय स्कॉलर सच एज मिच एंड वुकी किम यूजिंग द ITERAT डेटा शोज दैट द टेररिस्ट कुड गेट एटलीस्ट पार्ट ऑफ व्हाट द डिमांडेड इन 27% ऑफ द केसेस. द डेटा शोज दैट 50% ऑफ ऑल विक्टिम इन द हॉस्टेज सिचुएशन हैव बीन ऑर्डिनरी सिविलियंस फॉलोड बाय कॉपरेशन ऑफिशियल्स 21% एंड डिप्लोमेट गवर्नमेंट्स ऑफिशियल 21%. हॉस्टेज किलिंग हैज बीन फाउंड टू हैव लो फेटेलिटी पर अटैक एट 12.25 बट हायर देन अ फेटेलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक 0.77%. द डेटा शोज दैट द मेजोरिटी ऑफ हॉस्टेज सिचुएशन 20% वर रिजॉल्व विद इन द वीक. हाउएवर 11% टुक मोर देन अ ईयर. देखो 20% तो भाई हफ्ते दिन में सॉल्व हो जाते हैं और 11% में तो भाई एक साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है. वॉट आर दी ऑप्शन बिफोर इसराइल नाउ? दे कैन गो इन हॉट परस्यूड बट दे हैव नॉट बीन एबल टू लोकेट द हॉस्टेजेस. नेगोशिएशंस कांट टेक प्लेस वाइल बॉम्ब्स आर रेनिंग. बालचंद्रम से जब भाई बॉम्ब बरसा रहे हो तो बात कैसे होगी? द ग्राउंड ऑफेंसिव विल प्रेजेंट मेजर चैलेंज ही सेड गिवन दैट इट वुड इन्वॉल्व स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग इन विच मेनी इनोसेंट पीपल कुड बी किल्ड. When the Israelis tried to do it in South Lebanon, they got bogged down and had to make humiliating withdrawal. तो वहाँ से withdrawal इनको लेबनन से लेना पड़ा. That's how Hezbollah became strong. The objective is to save hostages. The cost of rescue has to be addressed. तो ये तो भाई अगर आपको rescue करना है तो उसका कुछ तो cost चुकाना पड़ेगा आपको. Dawlat said the US can perhaps initiate negotiation after pursuing Qatar to use its good offices with Hamas and stop the violence. Balchandram, however, said negotiations would not be possible without involving Iran. But no one
इज टॉकिंग टू ईरान। ईरान को लो भाई लूप में, ईरान को लो। बिना ईरान के बात किए कतार से अकेले इशू सॉल्व नहीं होगा। सानी सेड इजराइल वॉज यूजिंग अ राइट स्ट्रेटजी ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट थ्रू सप्लाई कट एंड बॉम्बार्डमेंट्स। ग्राउंड ऑफेंसिव विल हैव टर्मिनल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर हॉस्टेजेस, बट दैट इज अ प्राइस इजराइल मे बी विलिंग टू पे दिस टाइम। तो भाई हो सकता है इजराइल इस समय ये प्राइस, मतलब ये कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे अपने सिटीजन्स की। अब देख लेते हैं एक बार, ईरान की बात कर रहे हैं हम लोग और बहरीन की तो है किधर। आप देखिए, ये रहा आपका ईरान, ये रहा आपका बहरीन। तो जब तक आप ईरान को लूप में नहीं लोगे यहाँ पे चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती। ईरान को लूप में लिया जाए, अब देखते हैं इस आर्टिकल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हॉस्टेज टेकिंग। ठीक है, अभी कितने हॉस्टेज लिए गए? 150। कहाँ से? इसराइल से। कहाँ पे? गाजा स्ट्रिप में। ठीक है, किसने लिए? हमास ने। ठीक है, अब देखिए कितना कॉमन है, बहुत कॉमन है। ठीक है, इतना हर बार लिए जाते हैं कई बार। इनका पर्पस क्या है? पर्पस देखते हैं, पर्पस ऑफ हॉस्टेज टेकिंग, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पर्पस क्या है? सबसे पहले रैंसम, कुछ अपने उनके डिमांड्स, ठीक है, और थर्ड आप देखिए कंसेशन, पॉलिसी कंसेशन, ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल पॉलिसी कंसेशन, रैंसम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप देखिए इसमें, ये तो हमने देख लिया, इजरायली के पहले भी लिए गए हमने देख लिया। अब ये अलग कैसे है कि 150 लिए गए एक साथ, इतने ज़्यादा कभी नहीं लिए गए हैं। ठीक है, रामायण से लेके बाइबल सब में मेंशन है, पर ये हुआ कब? अपने 18th सेंचुरी में कब आया ये? जब आप देखिए इनका नाम है आपका अफ्रीकन, इतना म्यूनिच मसकेर, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना, म्यूनिच मसकेर, हमें इसको देखना पड़ेगा ये क्या है। ठीक है, और यूएस यूके का क्या स्टांस था? हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। यूरोप फ्रांस का क्या स्टांस है? हम पैसा दे देंगे हमारे, उसको छोड़ दो हॉस्टेज को। फिर यूएस भी नेगोशिएट करने लगा, आर्म्स डील करने लगा, पैसा देने लगा। ठीक है, यही चीज़ है। और इसमें अभी इसराइल के पास क्या ऑप्शन है? या तो भाई वो बात करे, ठीक है, पहला, या तो अपना अटैक करता रहे। ठीक है, अब ये उसको थोड़ा यहाँ पे प्राइस चुकाना पड़ जाएगा। प्राइस क्या है उसका? लाइफ ऑफ हॉस्टेजेस। ठीक है, ये दो ही सिचुएशन इसराइल के पास सामने में है। क्या ये सक्सेसफुल होता है? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल रहता है, तभी तो आज भी चल रहा है। सक्सेसफुल नहीं होता तो लोग चलाते थोड़ी। तो बस इतना ही था भाई, कहीं पे हॉस्टेज ना किसी को बनाओ ना किसी के हॉस्टेज बनो, अपना काम करो, पढ़ाई करो, डेवलपमेंट के लिए काम करो। सो थैंक यू गाइज, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।